हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पहाड़ी तोता में। अभी आज हम तीसरा दिन है मेरा खेत की तरफ जो है, अभी हम अपना अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी बाजरा है, क्योंकि थोड़ा मात्रा ज़्यादा था तो इसमें से चुन चुन के कुछ कुछ कट करना पड़ता। देखिए बहुत सारा पैरेट, जैसे वाइट वाइट जो दिख रहा है ये अच्छा बाजरा है, और ये बिल्कुल काला दिख रहा है इसमें एक, ये सब मतलब चिड़िया लोग खा चुका है, तो खाली हो गया हो सबको इकट्ठा करके। अब धीरे धीरे हम काफ़ी सारा कट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत जो है अभी बाकी है, तो कुछ तो चिड़िया लोगों के लिए भी छोड़ा जाएगा, क्योंकि चिड़िया लोगों का भी हक है इस पे, क्योंकि उनका अपना तो खेत है नहीं, हम ही लोग बोते हैं तो वो लोग भी अपना खाते पीते हैं, इसी से उनका भी चलता है। तो इस तरह से हम लोग पैरेट को भी बाजरा देंगे, जो बाहरी पैरेट हैं या और भी अन्य चिड़िया हैं जो बाजरा खाती हैं, तो उन लोगों के लिए भी छोड़ दिया जाएगा। और पैरेट लोग देखे तो ये तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर ही रहे हैं। लो जी, तुम भी खाओ। देख सकते हैं आप लोग, पैरेट को बाजरा बहुत पसंद होता है। अपने पैरेट को बाजरा देना बस शुरू कर दीजिए आप लोग। चारों तरफ देखिए पूरा बाजरा। अभी इसमें बाजरा जब कट जाएगा तो रहर का खेत जो है ये तैयार होगा। रहर का पेड़ बड़ा होना शुरू हो गया है। इतना बाजरा हमने कट कर लिया है, एक बोरी। अब इसको भी लेंगे, पेड़ लेके इसको हम चलेंगे। खेत से निकलने का बारी हो गया है। काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ देख सकते हैं जंगल, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है एकदम घास, जिससे थोड़ा सा निकलने में तकलीफ हो रही है, बट धीरे धीरे करके हम लोग निकल चलेंगे। अब टाइम हो चुका है घर जाने का, आज का कोटा पूरा हो गया मुट्ठू। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब धीरे धीरे घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग।